हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 13 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डिस्प्ले साइज सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिस्प्ले साइज सेटिंग जो है चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का, डिस्प्ले पर आपको इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब डिस्प्ले के इस पेज में आने के बाद आपको ना नीचे आना है, पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये डिस्प्ले साइज का, डिस्प्ले साइज पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब डिस्प्ले साइज का ये पेज ओपन हो जाएगा ना, इस पेज में आपको नीचे की साइड ये पॉइंटर दे रखा है, इसे आपको यूज करना है। इस पॉइंटर को आप आगे या पीछे कर सकते हैं, आप इसे लाइन पे डायरेक्ट टैप करके भी आप इसे पीछे आगे कर सकते हैं, आप चाहे तो माइनस या प्लस के ऑप्शन को आप टैप करके भी इस पॉइंटर को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये जो ऊपर की साइड में जो लिखावट दे रखी है ना, आपको ये टेक्स्ट दे रखे हैं, ये ऊपर में आपको सैंपल में आपकी डिस्प्ले साइज दे रखी है, ठीक है। सैंपल में देखिए छोटी या बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए मैं पॉइंटर को पीछे करता हूं तो देखिए डिस्प्ले साइज छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे मैं स्मॉल पे कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए स्मॉल पे मैंने इसे कर लिया इस पॉइंटर को, तो डिस्प्ले साइज कितनी ज़्यादा छोटी हो चुकी है। इसी तरीके से हम बैक पेज पे चलते हैं तो देखिए डिस्प्ले साइज कितनी ज़्यादा छोटी हो गई है, ठीक है। और एक ही पेज, एक ही डिस्प्ले में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब इसी तरीके से मैं डिस्प्ले साइज को बड़ा कर लेता हूँ, इसे सबसे बड़ा कर लेता हूँ, तो देखिए लार्जेस्ट पे आ गया और डिस्प्ले साइज यहाँ पे भी बड़ी होगी और बैक पेज पे भी डिस्प्ले साइज बड़ी होगी। डिस्प्ले साइज बड़ी होने से आपको काफ़ी ये कम ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको नीचे की साइड दिखाई देंगे और भी ऑप्शन। तो ये सेटिंग जो है ना, अगर आप डिस्प्ले साइज की अगर आप कुछ भी चेंजेस करेंगे ना इसमें आगे छोटी या बड़ी करेंगे तो आपके पूरे मोबाइल सिस्टम पे सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से आप चेंज करके यूज कर सकते हैं डिस्प्ले साइज को। अब मैं आपको जो है ना ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा सर्च सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है सर्च सेटिंग पे। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले साइज आप यहाँ पर जो है ना टाइप कीजिए इस तरीके से, तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये डिस्प्ले साइज का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को, ठीक है।